दूसरे चुनाव की तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी सियासत की लड़ाई में कई बार जुबानी मर्यादा की सीमा लांघी गई। अपने विरोधी को अपशब्द कहे गए, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सोनिया गांधी तक पर विवादित टिप्पणी की गई। सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव में जानबूझकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर सियासी उफान में ऐसे शब्द अचानक मुंह से निकल आते हैं। सवाल ये भी है कि अगर ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता है और क्या इससे वोट भी जुटते हैं, तो इस बार जुबानी और बदजुबानी किसे फायदा पहुंचा सकती है। नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है, उससे मुक्ति पाए बिना न तो कर्नाटक तरक्की कर सकता है। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। ये चुनाव जनता के लिए है, जनता चुनती है कि उसकी सरकार कौन सी आएगी, कैसी आएगी, और जनता जानती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, लूट हुई है और बदलाव चाहिए। मोदी अंदर है कि विशद हावित है। कर्नाटक में धुआंधार प्रचार के बीच शब्दों के तीर भी चल रहे हैं। जहरीले बयानों से कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसकी होड़ लगी हुई है। सियासी सूरमा कर्नाटक के रण में हर दांव आजमाने को तैयार है, लेकिन इस बीच जनता के मुद्दे, भ्रष्टाचार, महंगाई, कमीशनखोरी, बेरोजगारी, विकास, शिक्षा पीछे छूट गए हैं, जिनके दम पर कर्नाटक के चुनावी मैदान में कांग्रेस बीजेपी को पटकनी देने का दम भर रही है। वहीं बीजेपी को फिर से सत्ता में वापसी का भरोसा है। हालांकि जनता से जुड़े मुद्दों से ज्यादा कर्नाटक के चुनाव प्रचार में नेताओं के विवादित बयान सुर्खियों में छाए रहे, और सबसे ज्यादा चर्चा हुई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की, जिसे उन्होंने पीएम मोदी पर दिया था। मोदी अंदर विषद हावितंगे ನೀವಂದ್ರೆ ಏ ಇದು ವಿಷಯ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕ ಕೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷಯ ಅದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ. ಅಬ್ಬರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಥಿ वो कैसे चुप रह सकती थी, तो बीजेपी विधायक बासन गौड़ा यतनाल ने मोर्चा संभाला और सीधा यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाने पर लिया। आप खुद ही सुनिए। ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ಚತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲ ಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಯ ಕಣ್ಣೆ ನಂಗಾದ್ರೆ. सोनिया गांधी पर दिए बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे महिलाओं का अपमान बताया और इसे बीजेपी की झल्लाहट करा दिया। उनके बारे में इस प्रकार की नीची और नीच हरकत करना, ऐसा बयान देना, मैं समझता हूँ कि ये एक नया रूप सामने आ रहा है बीजेपी का। मुझे लगता है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है कर्नाटक से, ऐसा लगता है कुछ बुकलैंड के अंदर ये हो सकती स्थिति हो सकती है। बीजेपी ने इस बयान को जमकर भुनाया, यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की ओर से दी जाने वाली गालियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त को गिनाया। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक मुझे
ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कर्नाटक के रण में सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि डकैती डालना ही सत्ता में बैठे लोगों का धंधा हो गया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर लूट, झूठ, अहंकार और नफरत फैलाने वाली सरकार बताया। नफरत फैलाना की जिनका काम है, उन्हीं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। भाजपा सरकार की लूट, झूठ, अहंकार और नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है, उससे मुक्ति पाए बिना ना तो कर्नाटक तरक्की कर सकता है और ना देश में प्रगति हो सकती है। कर्नाटक के रण में विवादित बयानों में बीजेपी नेताओं ने ही बाजी मारी। कर्नाटक में प्रचार करने गए बीजेपी के स्टार प्रचारक भी विवादों वाले बयान देने में पीछे नहीं रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा का यूसीसी के बहाने मुसलमान बेटियों पर दिया बयान काफी चर्चा में रहा। आप मुसलमान महिलाओं को देखो, बेटियों को देखो, घर से शादी होता है, एक साल बाद वो बेटी दूसरा बार शादी करता है, तीसरा बार शादी करता है, चौथा बार शादी करता है, ये क्या सिस्टम हो गया? एक एक मेल, एक एक पुरुष क्यों सार बार शादी करेगा? ऐसा तो रूल ये तो दुनिया में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना है और मुसलमान व्यक्ति सार बार शादी करने का जो सिस्टम है इसको बंद करना है। मुसलमान बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, बच्चा पैदा करने वाला मशीन नहीं, उनको डॉक्टर इंजीनियर हमें बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। जाति विचार अदरलू उपजाति चुनाव स्पष्ट ना समाज इन दस अप्रैल कर्नाटक में सियासी दलों के जोर आजमाइश की असली परीक्षा होने वाली है। उससे पहले नेता अपने जुबानी तीर से कर्नाटक का वोट युद्ध जीतने के लिए हर मर्यादा लांघने को तैयार हैं। हालांकि कर्नाटक की जनता किसके सिर ताज पहनाएगी, ये 13 अप्रैल को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।